हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का व्लॉग रिलैक्सिंग है और इंटरेस्टिंग भी। तो वैसे इस व्लॉग में काफ़ी कुछ शेयर करने वाली हूँ आगे। तो अभी मैं आई हूँ मार्केट से, मैं गई थी होम सेंटर और आते ही मैंने व्लॉग शूट करना भी स्टार्ट कर दिया। आपको बताऊं, मुझे कुछ एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि मैं रोज़ मार्केट जा रही हूँ। सुबह 11 बजे निकलती हूँ, रात के 8 बजे तक मैं घर में आ रही हूँ। वैसे तो पापा के साथ ही जा रही हूँ मोस्टली, तो जो काम पापा के साथ करना है तो पापा ही कराते हैं, और कहीं कहीं मैं अकेले भी जा रही हूँ। आज तो मैं होम सेंटर गई थी, वहाँ से मैं काफ़ी सारी शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब सबसे पहले तो मैं पानी पीऊँगी। तो गर्मियों में मैं मोस्टली नॉर्मल पानी पीने की ही कोशिश करती हूँ जब भी कहीं मैं बाहर से आती हूँ, क्योंकि अगर हम तुरंत रेफ्रिजरेटर का पानी पीते हैं तो फिर ठंडक हो जाती है। वैसे अगर आपने शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको बता देती हूँ, मैंने रेफ्रिजरेटर खरीद लिया है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी करने वाली हूँ। तो ये सारी शॉपिंग मैंने रेफ्रिजरेटर के लिए ही करी है, तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। टाना, ये है हमारा साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। ओ माय गॉड, ये दिखने में बहुत सुंदर है। आई होप मैं सामने से आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो एक तरफ तो फ्रीज़र है और एक तरफ फ्रिज है, तो पूरा पूरा कंपार्टमेंट इन्होंने दिया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अब इस रो में आप कहीं पे भी कुछ रख दोगे तो सब जम जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस बने हुए हैं। ये ट्विस्ट आइस मेकर है, तो ऐसे ट्विस्ट करोगे तो आइस बाहर आ जाएगी। मैंने बस आइसक्रीम ला के रखा हुआ है इस पूरे फ्रिज में, और यहाँ पे टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि इसमें वाटर डिस्पेंसर है, तो बाहर से हम पानी ले सकते हैं ठंडा ठंडा। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं जो भी मुझे समझना है और आपको भी मैं बताऊँगी, प्राइस भी डिस्क्लोज करती हूँ। पर सबसे पहले मैं चेंज करने जा रही हूँ, लेट्स गेट अनड्रेस्ड विद मी। वैसे तो मैं बैग में ज़्यादा कुछ कैरी नहीं करती हूँ, बस थोड़ी बहुत एसेंशियल चीज़ें जैसे कॉम, सनस्क्रीन, लिप बाम, परफ्यूम, फेशियल वाइप्स। वो इसलिए क्योंकि अगर बाहर ज़्यादा डस्ट है, पोल्यूशन है, तो फेस को साफ़ करने के लिए मैं अपना फेस का ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे पिम्पल्स होते ही नहीं हैं। अगर आप ही मुझे वॉच कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आप देखोगे कि बहुत रेयर मुझे पिंपल हुआ होगा। मतलब एक साल में तो मुझे लग नहीं रहा कि मुझे एक पिंपल आया भी होगा। तो मेकअप रिमूवर से मैं सारा फेस पे से मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। वैसे तो मैं मेकअप करती नहीं हूँ, बहुत रेयर करती हूँ, और जो मैं यूज़ करती हूँ वो है लिपचिक, आई टेंट, या फिर लिप बाम, आईब्रो पेंसिल, लाइनर, बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। अब मैं अपनी स्किन के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे बिना मेकअप के ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। अब मैं शावर ले रही हूँ, तो पूरे दिन की जो थकान है ना, वो शावर में निकल जाती है। तो सबसे पहले मैं हेयर वॉश कर रही हूँ। तो हेयर वॉश के लिए मैं यूज़ करी बी ब्लेंड का इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू। इसमें है होहोबा विटामिन ई, जो कि हेयर को नरिश, स्मूथ एंड मैनेजेबल बनाता है। इसका पावर पैक फॉर्मूला हेयर को मॉइस्चराइज करता है बिना हेयर को ड्राई करे। ये प्रोडक्ट स्पेशली इंडियन वेदर एंड हेयर टाइप के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और यूनिक कलर प्रोटेक्ट के साथ, जो कि हेल्प करता है हेयर को मॉइस्चराइज करके हेयर का फैबुलस कलर लॉक करने में। तो ये नरिश करके फ्रिज फ्री हेयर बनाता है, एनरिच है शाइन टॉनिक से, तो मिलते हैं शाइनी हेयर, वो भी घर पर ही। तो डिज़ाइन किया गया हेयर एक्सपर्ट्स के थ्रू, तो आपको सैलून लाइक हेयर घर पर मिल जाता है सिर्फ 399 में। ये SLS एंड पैराबेन फ्री है। और अब इसी के बाद यूज़ करूँगी बी ब्लेंड इंटेंस मॉइस्चर हेयर मास्क। इसमें है होहोबा एंड विटामिन ई, जो कि डीपली नरिश करता है हेयर्स को। तो होहोबा ऑयल में मिनरल्स एंड विटामिन ज़्यादा होते हैं, जो कि एक्ट करते हैं नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह। एंड विटामिन हेयर के लिए अच्छा होता है क्योंकि ये फ्लिकी स्कैल्प को रेगुलेट करता है। और बी ब्लेंड प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड है। तो ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है अमेजन, नायका एंड फ्लिपकार्ट पे। तो अगर आप इनकी वेबसाइट से बाय करते हो तो 20% ऑफ के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, गुलगुली 2023, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जब भी आप बी ब्लेंड के प्रोडक्ट्स बाय करेंगे तो ये एक वूमेन के साथ लिंक कर देंगे, जिससे वो संभव फाउंडेशन के साथ मिलकर एम्पावर बनाते हैं, और वो नेशन भर में 10,000 वुमेन को एम्पावर बनाने के मिशन पर हैं। तो चेक कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि दिन में एक बार ज़रूर बैठ के भगवान के सामने मैं प्रार्थना करूँ, क्षमा मांगूँ, सद्बुद्धि मांगूँ, क्योंकि जो भी कुछ हम सबके लाइफ में हो रहा है ना, वो सब भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। तो आगे भी जो कुछ हो वो अच्छा ही हो।
अब मैं आपको भी यही कहूँगी, आप जिनको भी मानते हो ना, जिनमें आपकी आस्था है, आप उनको थोड़ी देर वक्त दो, उनके साथ बैठो, प्रार्थना करो, देखना आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगी और आपकी भी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। अब ये भी कहूँगी, हमें जो कुछ चाहिए हमारे अलावा किसे पता है? भगवान को पता है, वो सब जानते हैं हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उनसे बोलो, प्रार्थना करो, देखो वो सच में सुनेंगे, वो सुनते हैं सबकी। लेकिन सही वक्त आता है, सही वक्त आने पे चीज़ें होने लगती हैं, लेकिन आपको भी पेशेंस से उनके ऊपर विश्वास रखना होगा। आप जिन्हें भी मानते हो, आप उनके सामने बैठ के प्रार्थना करो। तो आज जितनी भी मैंने शॉपिंग करी है ना, वो रेफ्रिजरेटर की एसेसरीज़ की करी है। तो अलग अलग तरह के मैंने कंटेनर लिए हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या इसमें हम रखने वाले हैं। तो ये जितने भी कंटेनर हैं ना, ये अफोर्डेबल तो नहीं बोलूँगी मैं, एक्सपेंसिव हैं, बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये सारे जितनी भी मैंने एसेसरीज़ लिए हैं ना, ये कुछ मुझे 11,000 में मिली है। 11,000, हाँ बहुत ज़्यादा हो गया, पता है इसमें थोड़ा पैसा मिला के ना एक फ्रिज भी आ जाता है, पर अभी इतना इन्वेस्टमेंट किया है फ्रिज में, तो एसेसरीज में तो करना बनता ही था। पर सिर्फ आज की शॉपिंग जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, यही 11,000 में नहीं है, मैंने कुछ ऑनलाइन भी ऑर्डर करी हुई है तो उसको लगा के 11,000 में है, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगी। तो ये सारी जितनी भी मैंने बॉटल्स ली हैं, ये मैंने जूस के लिए, स्मूदी के लिए, मिल्क के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए लिया है। और ये मैंने 8 पीस का कंटेनर सेट लिया है, ये चॉप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के लिए है, तो आप इसमें चॉप करके वेजिटेबल्स रख सकते हो। और ये सारी वीडियोस मैंने देखी थी पिंट्रस्ट पे, तो वहीं से इंस्पायर होके सारी चीज़ें मैंने खरीदी हैं। सच कहूँ, ये मेरा ड्रीम रेफ्रिजरेटर है, जिसे मैं हमेशा लेना चाहती थी। और आपको पता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर होती है, एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन होते हैं। इस पर मैं डिटेल वीडियो भी दूंगी आपको और काफ़ी कुछ शेयर करूंगी किस तरह से मेरे साथ क्या होता है, आप भी मेरे साथ शेयर करना। फिलहाल हम ये इन्जॉय करते हैं। और हाँ, एक बात, जैसा हम देखते हैं ना, हमारी लाइफ में भी वैसे ही होने लगता है। तो ये देखने के बाद अगर आपने चाहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो, मुझे भी ये सब चाहिए, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात पता चली, तो मार्क माई वर्ड्स, ये सब होने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है और ऐसा होता है। और ये बॉटल कितनी प्यारी लग रही है ना देखने में, तो इन बॉटल में हम पानी, मिल्क, जूस कुछ भी रख सकते हैं। और ये जो दो कंटेनर है, ये मैंने फ्रीजर वाली जगह के लिए लिए हैं। अभी पता नहीं क्या रखूँगी, पर पिंट्रस्ट पे देखा तो मैंने भी मंगा लिया। यहाँ पे ये जो बॉटल्स है ना, ये भी मैंने फ्रीजर वाली जगह के लिए मंगाई थी, पर मुझे बताया कि रखते नहीं है फ्रीजर में, कांच की बॉटल फट जाती हैं, तो इसलिए फ़िलहाल मैं इनको यहीं पे रख रही हूँ, फ्रिज वाली जगह पे। और अब मैं आपको इसकी कॉस्ट बता देती हूँ। तो इसकी MRP है 58,000 समथिंग, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग है। जो मुझे मिला है, ये मिला है 49,999 रुपीज़, मतलब 1 रुपया कम 50,000 में। वो इसलिए क्योंकि SBI क्रेडिट कार्ड पे अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा था, तो वो मैंने अवेल कर लिया कुछ 24 मंथ्स के लिए। तो ये मैंने फ्रिज लिया है EMI पे, बताना ज़रूर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। वैसे आज मेरा मन था मैगी खाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा मैगी नहीं खाऊंगी, क्योंकि पूरे दिन से कुछ डाइट ली नहीं है, तो अब मैं मैगी लेके अपने डाइजेशन को ख़राब नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने डोसा मंगा लिया है। अब बस इसको मैंने गर्म किया है, आधा डोसा ही मैं खा पाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी। चटनी, नारियल की चटनी कितनी अच्छी लगती है ना, साउथ इंडियन डिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप भी बताना आपको अच्छी लगती है नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे उत्पम भी अच्छा लगता है, इडली भी अच्छी लगती है, डोसा भी अच्छा लगता है। इसके अलावा तो मैंने वैसे कुछ नहीं खाया साउथ इंडियन में, हाँ रसम भी खाई है मैंने, वो भी अच्छा लगता है। तो बस अब मैं यही खा रही हूँ, आज कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने बाहर से मंगा लिया है। और अब व्लॉग एंड करने से पहले आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, मुझे पता है इस बार मैं बहुत लेट हो गई। हुआ ऐसा ना कि मैंने 6 व्लॉग्स एक साथ शूट कर लिए और मैं एडिट करने में लेट हो गई, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ गई मुझ पे। तो अब बस मैं बैक टू बैक एडिटिंग में लग रही हूँ और आपके साथ जल्दी जल्दी व्लॉग शेयर करूँगी। तो वेट गेन प्रोटीन पाउडर का जो व्लॉग है वो नेक्स्ट है विद इन 2 डेज में, तो देख लेना। और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर हेल्दी वीडियोस, लाइक करके ज़रूर जाना,
मिलती हूँ नेक्स्ट मंडे। बाय गाइस, आई लव यू।